खोल के नवंबर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ वाह पर बवासीर के लिए कितने इसमें 6 आते इन्होंने 2 खाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होपली सब ठीक होंगे, सब सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बस बढ़िया हूँ। तो मैंने व्लॉग का एंड अभी किया था जस्ट, और मैंने उसके बाद में कपड़े वपड़े चेंज किए थे। जो मैं पहन के गई थी वो ड्रेस चेंज कर ली और मैंने घर वाली ड्रेस पहन ली। तो हम गए थे लगभग 12 बजे शॉपिंग करने के लिए, फिर हम आए थे 2 बजे, खाना वाना खा के गए थे हम। फिर आते ही मतलब इतने ज़्यादा थक गए थे पैदल चलते चलते। फिर हमने चाय बनाई मैंने, और मम्मी वगैरह ये सब गोटा वगैरह इनकी तैयारी कर रहे थे पीले वगैरह, और मम्मी ने मंगवाए हैं, यहाँ कोई देने आते हैं अच्छी रेट में। तो मम्मी ने दुकान, और हमें इन कपड़ों का पता भी नहीं चलता क्योंकि हम ना मम्मी पहनते ना मैं पहनती हूँ। तब मतलब इधर हमारे पड़ोस में आंटी जी है तो वो ही हमें दिलाएंगे, वो जाटों के हैं तो उनको सेखावाटी कपड़ों का पता चलता है। तब वो उनसे मंगवाएँ तो वो लेके आएंगे, कोई अंकल है वो इधर बेचने आते हैं। तो मम्मी फिर गोटा वोटे की तैयारी करेंगे, और कुछ पड़े हैं तो उनके मम्मी लगाने स्टार्ट कर दिए। तो बस, और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग में, तो व्लॉग पे आप कंटिन्यू बने रहना। आज अगर व्लॉग मेरा एंड हो जाएगा तो फिर मैं आज एंड कर दूँगी, पर आज तो मैं क्या ही होगा एंड, इतना बड़ा कोई व्लॉग नहीं होगा, वहीं डेली रूटीन का रहेगा तो मैं क्या दिखाऊँगी आपको। और वरना आज एंड नहीं होगा तो कल कर दूंगी। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये इधर कोई कश्मीरिया भैया है तो वो कंबल लेके आए थे, मतलब स्वेटर स्टॉल वगैरह। तो लेकिन ये रेट में नहीं जचे, अच्छी लगी। इन्होंने पूरी स्वेटर स्टॉल वगैरह बिखेर रखे थे क्योंकि इधर पड़ोस में आंटी जी है वो ले रहे थे। तो फिर ये वहाँ से बंद करके और इधर पास में हमारे घर पर आ गए मेरे को दिखाने के लिए। मैंने ये वाली स्वेटर चेक की है, मेरे को तो सारी स्वेटर में यही पसंद आ रही है। ये कश्मीरी होते हैं, ये अच्छे लेके आते स्वेटर, ये मेरे को यही पसंद आ रही है। मतलब ऑल ओवर सूट वगैरह, जींस कुर्ती कांचली, और वही है, मैली भी नहीं होगी घर के काम में, डेली रूटीन में भी सही है, मेरे को तो अच्छी लग रही है। और ये वाली स्वेटर मेरे शादी के टाइम की, ये भी इसी कश्मीरी से मम्मी ने लेके दी थी मेरे को शादी से पहले, मम्मी ने लेके रख ली थी, अभी मैंने स्टार्ट किया पहनना। तो देखते हैं, चलो बाहर जाके डिसाइड करते हैं ये या और कोई। दिखाओ मम्मी सोन, बढ़िया लग रहा। हाँ, और ये स्टॉल, मतलब स्टॉल से तो बड़ा ही है, नेवी ब्लू कलर का, और उस पर स्टोन है छोटे छोटे, तो सुंदर लग रहा है ये। तो मेरे को ये मैं लेने का सोच रही हूँ, और ये वाला स्वेटर। अभी देखते हैं, बाहर जाके फाइनल करते हैं, रेट वगैरह में जचते हैं कैसे क्या। मम्मी और इधर कॉलोनी के आंटी जी सब ना इन्हीं से ही लेते हैं, अच्छे लेके आते हैं स्वेटर वगैरह, कई सालों से आ रहे हैं यहाँ। तो अभी देखते हैं बाहर जाके। चलो, एक ना ये वाला लिया, ये वैसे मतलब जैसे अपन है ना चुन्नी लेते हैं सिर पे जैसे बाहर वगैरह जाए, स्टॉल लेते हैं ना, वैसे गर्म है एकदम से और अच्छा भी है। बट ये मेरे लिए नहीं लिया, ये मतलब अभी सर्दियों का मौसम है तब दीदी के जलवा पे है ना चूड़ा वगैरह वो देंगे ना मम्मी, तो पहन के बन गए शादी में जाने वाले। ये मम्मी एकदम से बड़ो सोल है थे ओडागा, तो यहाँ ओढ़ ले होगा और मैं भया स्टाइल से लगा लेंगे, अच्छा लग रहे हो, कलर भी अच्छा, स्टोन भी अच्छा लग रहा है। तो ये हमने ना दीदी के लिए ले लिया क्योंकि चूड़े पे सर्दियों का मौसम है, स्वेटर या सोल तो कुछ तो दे ही, और स्वेटर तो दीदी के पास वैसे बहुत सारे पड़े हैं, तो मम्मी ने बोला कि ये ले ले कुछ ऐसा गर्म सा तब सही रहेगा। तो ना फिर हमने ये दीदी के लिए लिया है, और वो सोल मैं और मम्मी दोनों ओढ़ लेंगे। वैसे मतलब मेरे और मम्मी के पास मिलके खूब सारे पड़े हैं हम दोनों ऐसे अदला बदली में। स्वेटर तो चलो एक दूसरे की आती नहीं है, बट स्वेटर भी आ ही जाती है, आजकल स्ट्रेचेबल होती है थोड़ी, मतलब आराम से आ जाती है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और सोल भी हम चेंज करके ओढ़ लेंगे, और मैंने ये ब्लैक वाली स्वेटर ले ही ली।
मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही थी पहनी हुई। तो चलो फिर, अभी ये बोल रहे हैं अंकल कश्मीरी अंकल कि चाय बना दो, नई बीनने के हाथ की, तब मैं चाय बना देती हूँ इनको। चलो, वो भैया आए थे लास्ट टाइम जब मेरी मतलब शादी फिक्स कर, मतलब शादी की डेट आ गई थी। जैसे मेरी शादी थी 17 फरवरी को, तो उसी मंथ में आए थे ये। तो मम्मी ने मेरे लिए इनसे शॉल स्वेटर ली थी, और मम्मी तो पहले से भी इनसे ही लेते आ रहे हैं, मतलब ये हर साल ही यहाँ पे आते हैं। और इनका क्या है कि ये क्या करते हैं, मतलब सबको दे जाते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन इनकी चीज़ भी बहुत अच्छी है। रेट तो हाई है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी इनकी, ये सबको दे जाते हैं। पैसे इस टाइम पे नहीं लेते, पैसे बोलते हैं कि जब मैं सर्दियां ख़त्म होगी तब मैं कश्मीर जाऊंगा, तब सबसे अपने अपने जितने जितने बाकी थे लिख लेते हैं, वो पैसे सबसे लेके जाते हैं, पहले किसी से भी पैसे नहीं लगते लेते। तो वो आंटी जी वगैरह सब ने बेचारे को घेर लिया चारों तरफ से, और सब ने ही मतलब इनकी खूब बिक्री हुई है। अंधेरा पड़ गया था तब आए थे, लेकिन इनकी खूब बिक्री हुई, और अभी भी वो घर घर पे गए हैं देने के लिए। लेकिन चीज़ अच्छी रखते हैं स्टॉल वगैरह, शॉल मेरी शादी वाले भी मैंने देख के मेरे को पता लग गया था, और अभी भी। और जैसे मैंने ब्लैक स्वेटर ली थी वैसी हमारे पड़ोस में सुनीता आंटी जी है, जिनको मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, उन्होंने हाफ बाजू की कोटी पहन के दिखा रहे थे, उन्होंने भी मेरे वाले जैसे सेम स्वेटर ली है। उन्होंने पहले ली थी, फिर मेरे को भी अच्छी लगी तब मैंने भी ले ली, और मैंने पहन के देखी तो मेरे पे खूब जची तब मैंने भी ले ली, अच्छी थी वो। तो वो अभी आ गए, मैंने उनसे पिज़्ज़ा मंगवाया था, देखती हूँ लाए या नहीं लाए, आपके शॉप पे मैं शेयर करती हूँ। खा लिया पिज़्ज़ा कौन ले सच में यार, मैं इतनी देर से भूख लग रही। देखा 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 लिखे या नहीं लाए, वाव थैंक यू सो मच, खोल के दो, खोल के खोल के खोल के, थैंक यू सो मच, वाव थैंक यू सो मच। पिज्जा सही लेके आए लजीज पिज्जा आ रहा सर। हाँ वाह यार, मेरा ना मेरे को ना इस कैफ़े का है ना पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, मैं झुंझुनू जाती हूँ जितनी ही बार मैं खा के आती हूँ। और ये उधर से आ ही रहे थे तो मैंने बोला यार पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा है, लेके आ जाओ। तभी लेके आ गए, मम्मी देख रहे हैं उधर से चुपके चुपके, मम्मी देख रहे क्या बोल रही है। आ जाओ मम्मी खा जाओ, आ जाओ आ जाओ। तोड़ के मम्मी आ जाओ तुम। अरे गाइस ओनली लास्ट पीस बचे, आपने कितने खाए? दो। इन्होंने दो खाए, इसमें पूरे पीस कितने? छह आते। इन्होंने दो खाए, बाकी सारे मैंने खाए। मेरा सच में फेवरेट पिज़्ज़ा। तो गए थे चेप होने वाला ना, तो बूढ़ी रहे नवंबर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ वाह पर बवासीर के लिए वैदृषि का अंशकल कौन पिक्चर। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ी देर हमने पिज़्ज़ा खा के सब ने टीवी देखा था, बस बैठे थे, खाना हम लेट ही बनाते हैं। तो अभी बज गए 8, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी खाना बना लूँ। सब्जी तो मम्मी ने बनाई है कड्डी, और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं रोटियाँ बना देती हूँ फटाफट, सब खा लेते क्योंकि ठंड हो जाती है। तो इसी कारण है ना, मतलब आजकल हम जल्दी खाना खा लेते हैं, वरना गर्मियों में तो 11 बज ही जाते थे बर्तन वगैरह वॉश करती, तो अब तो 9-10 बजे सारा काम हो जाता है। पापा अभी तक आए नहीं, पापा किसी फंक्शन में गए हैं झुंझुनू साइड ही, तो वो खाना खा के आएंगे। बस हमारे लिए बनानी है, मेरे को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था पेट भर के, ये सुबह से भूखे हैं, और मम्मी माँ इनके लिए बनानी है। तो बस अब मैं व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सभी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गुड नाइट।